हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस और इस वीडियो में हम क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का चैप्टर सेवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम उसके तीनों पार्ट्स देखेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमें इसके अंदर डिस्टेंस निकालना है तो इसके पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या होता है हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या बोलता है स्टूडेंट्स अंडर रूट में x2 टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर सो ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला बस इसी बेसिस पर हमें ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पहला पेयर देखते हैं पहला पेयर क्या दे रखा है हमें टू और थ्री यहां पर ये जो टू है ये हो जाएगा हमारा एक्स वन थ्री हो जाएगा हमारा वाई वन फोर और वन यहां पर ये यह हो जाएगा एक्स टू ये हो जाएगा वाई टू ठीक है बस अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू देखना एक्स टू की वैल्यू क्या है फोर फॉर्मूले का माइनस एक्स मतलब मतलब वन मतलब टू इसका स्क्वायर प्लस वाई टू मतलब वन माइनस वाई वन थ्री का स्क्वायर और ये पूरी चीज किसमें अंडर रूट में देखते हैं क्या होता है फोर में से टू माइनस किया तो आया टू का स्क्वायर प्लस वन में से माइनस टू क्यों क्योंकि वन माइनस थ्री है ठीक है वन में से जब थ्री को माइनस करेंगे तो माइनस का टू आएगा और उसका भी स्क्वायर सो so, जब इसे हमने सॉल्व किया तो क्या आया टू का स्क्वायर तो फोर प्लस माइनस टू का स्क्वायर भी टू ही होता है ऐसा क्यों बिकॉज जब हम माइनस टू इंटू माइनस टू करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस और टू टू झा फोर इसीलिए माइनस टू का स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाता है पॉजिटिव फोर अच्छा अब फोर प्लस फोर क्या होता है एट होता है आप सॉरी रूट में आएगा ये रूट एट होता है आप चाहे तो अपना आंसर यहां पर ही छोड़ सकते हैं या फिर इस रूट एट में से देखो कैसे लिख सकते हैं इसको हम एट को टू इंटू टू इंटू टू ऐसा लिख सकते हैं दो की पेयरिंग बनी मतलब एक टू बाहर तो यहां पर क्या हो गया एक टू बाहर और एक रूट टू अंदर ही रह गया ये वाला क्योंकि इसके साथ कोई पेयर नहीं था इसीलिए जो डिस्टेंस आया है वो कितना आ गया है अभी टू रूट टू ओके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं माइनस फाइव और सेवन और माइनस वन और थ्री ठीक है यहां पर ये यह हो गया एक्स वन ये हो गया वाई वन हमेशा हमेशा जो पहले वाला पॉइंट है वो क्या रहेगा हमारा एक्स रहता है और बाद वाला वाई रहता है तो इस हिसाब से एक्स वन वाई वन और ये हो गया हमारा एक्स टू वाई टू ठीक है वैल्यू पुट करते हैं देखते हैं क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब माइनस वन माइनस माइनस फाइव अच्छा माइनस फाइव अपने आप में एक कोऑर्डिनेट है बट ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है तो वो दोनों ही हमें लगाने पड़ेंगे और फिर इस पूरे का स्क्वेयर प्लस थ्री माइनस सेवन थ्री माइनस सेवन का स्क्वेयर ये पूरा कहा गया अंडर रूट के अंदर अच्छा अब एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते हैं आराम से माइनस वन एज इट इज आ जाएगा अभी माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस है क्योंकि ये यह यहाँ पर ब्रैकेट और इधर बीच में कोई साइन नहीं है इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस और ये हो गया हमारा फाइव इस पूरे का स्क्वेयर प्लस थ्री माइनस सेवन साथ में से थ्री माइनस किया तो हमें फोर मिलेगा और बड़े वाले पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस फोर और इसका हो गया स्क्वेयर ठीक ओके अब आगे देखते हैं माइनस वन प्लस फाइव फाइव में से माइनस वन गया तो कितना बचा प्लस का फोर उसका स्क्वायर प्लस माइनस फोर इसका स्क्वायर ब्रैकेट में चलने देते हैं अभी ठीक इस फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन माइनस फोर का भी स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन क्योंकि माइनस इनटू माइनस तो क्या हो जाता है प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन क्या हो जाएगा थर्टी टू हो जाएगा अभी अंडर रूट में अब थर्टी टू को हम कैसे लिख सकते हैं मैं जल्दी से फटाफट बता देती हूं कि रूट कैसे खोला जाता है थर्टी टू का हमने लिया एलसीएम टू वन जा टू टू सिक्स ट्वेल्व मतलब टू सिक्सटी जा थर्टी टू टू एट जा सिक्सटीन टू फोर झा एट टू टू फोर एंड टू वन झा टू वन टू थ्री फोर फाइव पांच बार जब हमने टू लिखा मतलब क्या हो गया इन दोनों का एक पेयर इन दोनों का एक पेयर मतलब टू इन टू तो बाहर और इसका कोई पेयर नहीं है इसीलिए इसे हमने किस में रख दिया रूट में रख दिया सो टू टू जो रूट टू यह आया हमारा आंसर सो स्टूडेंट्स जो थर्ड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है आने जैसा है एग्जाम में इसे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझें आप ये समझाया योग्य एक्स वन ये हो गया वाई वन योग्य वाई टू ठीक वैल्यू पुट करी फॉर्मूला के अंदर x2 टू माइनस एक्स वन मतलब माइनस ए माइनस ये वाला a का स्क्वायर प्लस टू माइनस वाई वन मतलब माइनस बी माइनस बी ये फॉर्मूले का माइनस है और ये पॉजिटिव बी वाई वन की वैल्यू इसका कर दिया हमने स्क्वेयर अंडर रूट में डाला सब चीज थीज़ को ठीक है जल्दी से फटाफट माइनस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस का टू ए और इसका भी स्क्वेयर प्लस माइनस बी और माइनस बी ये हो जाएगा माइनस का टू बी का स्क्वायर और ये पूरा आ गया हमारा अंडर रूप में अब माइनस टू ए का स्क्वायर क्या होगा ढंग से समझना माइनस टू का स्क्वायर तो हमें पता है अब अच्छे से कि फोर हो जाएगा और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर भी फोर और बी का स्क्वायर भी क्या बी स्क्वायर ठीक है अब यहां पर आप देखो फोर और फोर दोनों में आ रहा है तो क्या हम इस फोर को कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल कॉमन तो लिया हमने तो यहां से ये फोर निकल गया यहां से ये फोर निकल गया वो इधर आ गया तो यहां पर क्या बचा खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्योंकि फोर तो कॉमन ले लिया दोनों में से और ये अभी अंडर रूट में चल ही रहा है अब इस फोर को मैं टू इंटू टू लिख सकती थी मतलब टू बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर